तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा रेंज फॉर्मेटिंग की। हमने रेंज की क्लासेस शुरू की थी, तो रेंज में पहले आपको मैंने सिलेक्शन बताया था, उसके बाद कल मैंने आपको रेंज में डेटा फिल करना बताया, और आज हम बात करने जा रहे हैं रेंज की फॉर्मेटिंग। थोड़ी सी इसमें रिकॉर्डिंग मैक्रो का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या है कि इतने सारे कोड्स आपको याद नहीं होंगे, तो आप कैसे एज ए डिक्शनरी रिकॉर्डिंग मैक्रो को यूज कर सकते हो, ये फीचर भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ। हेलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग विजय जी। गुड मॉर्निंग। मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो रेंज की फॉर्मेटिंग में मैं बात कर रहा हूं कैसे, हम जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, मार्क्स लिख दिया, इसकी फॉर्मेट कैसे की जाए। फॉर्मेट इन द सेंस कैसे इसकी फॉन्ट अप्लाई की जाए, कैसे इसकी साइज बढ़ाया जाए, कलर किया जाए, बोल्ड किया जाए, बॉर्डर लगाया जाए, और अभी जो बाकी फॉर्मेटिंग है फॉर्मेटिंग किया जाए। तो इसमें हम आपको विथ कमांड भी समझाएंगे कि विथ कमांड का क्या यूज है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ मुझे और मैग्निफायर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ सब्जेक्ट आर लाइक ओपन रेंज A1 से लेके C1 डॉट यहां पे फॉर्म फॉर्म डॉट नेम। यहां पे आप फॉन्ट का दे दीजिए, जो नेम आप एरियल वगैरह जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। सेम मुझे रेंज यहां पे A1 से C1 डॉट फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू हमने दे दिया 12, या जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। रेंज A1 से C1 डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू हमने यहां पे दे दिया वीवी रेड ग्रीन ब्लू। कलर पे मैं आता हूं, उससे पहले यहाँ पे देखिए कि हमारा जो रेंज है उसकी जो फॉन्ट है, एरियल है, बाकी सब चीज जो है सेम आपको दिख रहा है, राइट। क्या है कि सिर्फ इसका सब मेंबर चेंज है। तो मुझे अभी थोड़ा छोटा है A1 से C1 है, लेकिन कल के रेट में बड़ा, बहुत बड़ा रेंज हो सकता था, उस केस में क्या करें। तो उस केस में हम यहां सिंपल सा विथ कमांड यूज करेंगे। तो इसको हम इस विथ कमांड से कैसे करेंगे कि विथ रेंज A1 से लेके C1 डॉट फॉन्ट। यहाँ पे दे दीजिए फॉन्ट डॉट यहाँ पे नेम। अब सिर्फ आपको सब मेंबर ही देना है, पूरा ऑब्जेक्ट और मेंबर नहीं देना है, ओनली फॉर सब मेंबर देना है। नेम इक्वल टू एरियल डॉट साइज इक्वल टू डॉट कलर। कलर पे समझिए, कलर का कंसेप्ट हर जगह सेम होता है। यहाँ डॉट कलर हमने कर दिया वीवी रेड, या फिर हम कर सकते हैं डॉट कलर इक्वल टू RGB, और यहां से हम आर्ट रेड का ये दे सकते हैं। अब बोले से एक कलर कोड कहां से आया, RG मतलब कि रेड ग्रीन ब्लू। तो इसको मैं एक बार जूम आउट करता हूं और जाता हूं एक्सेल में। यहां पे जब कलर अप्लाई करेंगे आप, तो यहां कलर कोड पे आप देखेंगे
मोर कलर पे। तो मोर कलर के जो कस्टम पे आएंगे तो यहां आपको दिखेगा रेड ग्रीन ब्लू। तो जो भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका कलर कोड आपका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक कोड एक कलर अप्लाई करना है जिसका कोड होगा 63 34 128। ये चीजें आप जो है वीवीए में डाल सकते हैं। तो एक आरजीबी सिस्टम हो गया। सॉरी, दूसरा होता है कलर इंडेक्स। कलर इंडेक्स यहां पे हम नंबर डालते हैं। अब कलर इंडेक्स क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। इसके लिए आपको एक कलर का ये है मतलब कि लिस्ट है 0 से 56 तक, जिसमें सारे कलर कलर का दिया गया है। तो आप यहां पे सर्च कीजिए कलर इंडेक्स दे दिया। सर कलर इंडेक्स इक्वल टू 30 करोगे तो एक कलर आएगा, 31 करेंगे तो एक कलर आएगा, 32 करेंगे तो एक ब्लू आएगा, 33 ये ग्रीन आएगा, 34 हल्का ग्रीन आएगा, 35 ऐसे ही 56 तक। कहाँ से? 1 से लेके 56 तक। 1 ब्लैक है, 56 ग्रे है। तो इसमें आप ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग तो जनरली 5-7 कलर ही इस्तेमाल करते हैं ना सर, और हम मुझे तो 5-7 कलर के नाम ही याद है बस। तो आप ऐसे कलर को यहां से याद करके रख सकते हैं, अन्यथा आप जो है वीवी ग्रीन रेड ब्लू श्याम मजेंटा तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर कलर तो आरजीबी दे दीजिए या कलर इंडेक्स दे दीजिए। इस कलर के 3 तरह की हम यूज करते हैं, और कहीं भी चाहे वो सेल की बैकग्राउंड कलर हो या चार्ट की कलर हो या पिवट पे कलर हो, कहीं भी कलर करेंगे हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कलर इंडेक्स के बाद यहां पे आ जाता है अंडरलाइन इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। देना है तो दीजिए, अदरवाइज की बात नहीं है। यहाँ पे स्टिक थ्रू इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, और जब आपका खत्म हो जाए तो फिर कर दीजिए यहां पे एंड। तो आप इस तरह से भी एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया सर? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बैकग्राउंड कलर करना हो तो कैसे करेंगे? तो मैं यहां पे कोड लिखता हूं बैकग्राउंड कलर का, देखते रहिएगा। होगा यहां पे रेंज A65 A1 से लेके 1 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू, या फिर आप इन तीनों में से कोई ले सकते हैं, कलर इंडेक्स या कलर आरजीबी फॉर्मेट ले सकते हैं। ये आपका बैकग्राउंड कलर कर देता है। तो आपने फॉन्ट अप्लाई करना सीख लिया और आपने कलर अप्लाई करना सीख। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर कैसे लगाएंगे? जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपने, एक मिनट इसको जूम आउट करने दीजिए। अगर मान लीजिए मुझे अपने डेटा के ऊपर यहां पे इस एरिया में बॉर्डर करना है, मतलब कि A1 से लेके C10 तक, आप करना चाहते हैं यहां से ऑल बॉर्डर, जो ये ऑल बॉर्डर होता है ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं, कोड क्या लिखेंगे? लिखाया कोड रेंज A1 से लेके C10 डॉट बॉर्डर, बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू 1।
ये लिख देंगे तो ये आपके ऑल बॉर्डर दे देगा। क्या इनमें सिर्फ राउंड बाहर बाहर से देना है ना, बॉर्डर राउंड आप ले सकते हैं सी टेन डॉट बॉर्डर अराउंड डॉट बॉर्डर अराउंड। लेकिन मुझे बॉर्डर अपने हिसाब से चाहिए तो हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद लेते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और हम रिकॉर्ड माइक्रो कर लिया यहां से और मैं यहां राइट क्लिक करता हूं फॉर्मेट सेल और यहां पे हम बॉर्डर में आते हैं। ऊपर का बॉर्डर ए बॉर्डर ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया। इसके अलावा ये वर्टिकल इनसाइड वगैरह भी आप ले सकते हैं, लाइनिंग में डॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल स्टॉप करता हूं। अब हम डेवलपर में जाते हैं विजुअल बेसिक पे और रिकॉर्डिंग माइक्रो को चेक करते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले जो कोड इसने लिखा है वो लिखा है सिलेक्शन बॉर्डर एक डाउन लार्जेस्ट टाइप नन, मतलब कि इसने क्या किया है कि इस बॉर्डर को हटा दिया। यहां पे सिलेक्ट विथ विथ कमांड तो पता ही है, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर एक लेफ्ट। अभी क्या हुआ कि वन बाय वन इसने बॉर्डर को वन बाय वन अप्लाई किया है, पहले इसको अप्लाई किया फिर इसको अप्लाई किया फिर ऊपर को अप्लाई किया फिर नीचे को अप्लाई किया। मतलब ये बॉर्डर लगाते समय इससे पहले वाले कोड में आप देखेंगे तो मैंने सिर्फ बॉर्डर सिर्फ लाइफ स्टाइल ले लिया था। अगर इसको ब्रैकेट में अगर हमने बताया कि कौन सा बॉर्डर पे हमारा लाइन अप्लाई करना है कौन से साइड पे, तो पर्टिकुलर से एक टॉप कर दिया तो टॉप बनाते हो वो कर सकते। तो यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग में वही वन बाई वन हुआ है कि पहले उसने एक लेफ्ट को किया है, एक टॉप को किया है, बॉटम को किया है, राइट को किया है, इनसाइड बीच वाला वर्टिकल बीच वाला ओरिजेंटल को किया है, यहां से किया है वन बाई वन। और यहाँ पे वन बाई वन इसने किया है एक लाइन स्टाइल कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूस इसमें होता है एक्सेल डॉट डॉट भी होता है, एक्सेल डैश डैश भी होता है। कलर इंडेक्स ऑटोमेटिक लिया है कि जो ऑटोमेटिक कलर है वही लेना है, अदरवाइज आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। थीन एंड शेड इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। ये आता है एक्सेल विड्थ, वेट मतलब कि एक्सेल थीन मतलब कि पतला बॉर्डर है, अगर मोटा लीजिएगा मोटा लीजिएगा, एक्सेल थिक एक्सेल मीडियम तीन होता है थीन थिक मीडियम। तो बॉर्डर समझ में आ गया आपको विजय जी? हाँ जी सर। बॉर्डर अराउंड में लाइन स्टाइल नहीं देंगे कोड, वो अपने आप ले लेता है। और उसमें अगर वेट देना हो तो वो डिफॉल्ट लेता है, आपको फिर इसकी मदद से जाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट तो इसके लिए भी मैं माइक्रो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए ए दे दिया, अभी ये होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, ये होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, रैप ये आपका ओरिएंटेशन होता है, ये आपका रैप टेक्स होता है, ये आपका इंडेंट होता है, ये आपका मर्ज सेल होता है। अब मैंने एक को अप्लाई किया तो हमारा रिकॉर्डिंग माइक्रो पूरा दे देगा नीचे यहाँ। अब इसको एक बार समझ लीजिए, जूम कर दू यहाँ पे देखिए विथ सिलेक्शन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल सेंटर, इसमें आप कर सकते हैं एक्सेल लेफ्ट एक्सेल सेंटर एक्सेल राइट, लेफ्ट राइट सेंटर तीन होता है इसमें। ऐसे यहां पे बॉटम है तो ये आपका टॉप मिडल बॉटम। रैप टेक्स्ट करना है तो ट्रू कीजिए अदरवाइज फॉल्स। ओरिएंटेशन कितना डिग्री पे घुमाना है, इंडेंट ऐड करना है तो क्या कितना लेवल ऐड करना है, स्ट्रिंग टू फिट करना है नहीं करना है, रीडिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए और मर्ज सेल है या नहीं। अभी देखिए रिकॉर्डिंग ने पूरा दे दिया बट आपको मान लीजिए कि सिर्फ मुझे रैप करना है, क्या करना है रैप करना है, मैं सिर्फ यहाँ रैप का ही कोड लिखूंगा, बाकी जो डिफॉल्ट होगा वो डिफॉल्ट ले लेगा, ये बोला रैप। रैप
एप टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन है जो आप एक ही ऑप्शन से अप्लाई भी होते हैं, एक ही से डिसअप्लाई भी होते हैं। सो आपको ट्रू या फॉल्स देना है। क्लियर सर? जी अलाइनमेंट समझ में आ गया आपको? हाँ जी। इसमें अलाइनमेंट के बाद हमने फॉन्ट को कर लिया, हमने अलाइनमेंट कर लिया, हमने बॉर्डर कर लिया, हमने बैकग्राउंड कलर कर लिया। अब आता है नंबर फॉर्मेटिंग की, कि एक्सेल में आप वेरिए के थ्रू नंबर फॉर्मेट कैसे डालें। नंबर फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पे देंगे रेंज, मान लीजिए C1 डॉट नंबर फॉर्मेट, और इसमें परसेंटेज देना है तो 0.0, डेट देना है तो रेंज A1 डॉट नंबर फॉर्मेट इक्वल टू DDMMY1। टाइम देना है तो रेंज, तो ये चीजें कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू चलेगी। कस्टम फॉर्मेटिंग आप लोगों को पता है? जी सर। आपको पता है? जी नहीं बाबा, बताइए कौन सा? वो कंट्रोल वन करके जो हम लोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब जो राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट से जाते हैं, याद आ गया। नंबर फॉर्मेट में जो कस्टम होता है, ये जो कोड होता है, इसे पता है आपको? कुछ कुछ पता है, सारा नहीं पता है। तो इसके लिए मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, क्योंकि ये एक्सेल क्लास का है, ठीक है। तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग कर देता हूँ कस्टम फॉर्मेटिंग का, उसको देख लीजिए। क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं करना है, आपको कोड वही डालना है जो यहाँ यूज होता है, बस नंबर फॉर्मेटिंग कोड। जैसे हमने यहाँ परसेंटेज के लिए डाल दिया, हमने डेट के लिए डाल दिया, हमने टाइम के लिए डाल दिया, ठीक है। और इसका आर्टिकल भी है, क्योंकि आर्टिकल भी शेयर कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल है, वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो मैं एक्सेल क्लासेस लेते हैं, उनको तो मैं देता ही हूँ। जाता है यहाँ पे VKWP। VKAWTI है ये, हाँ ये पहला वाला। YouTube पे मैंने इसका वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो आप YouTube पे सर्च करेंगे वीडियो भी देख लीजिए, तो भी बहुत सारे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। okay. जब आप कस्टम फॉर्मेटिंग देख लेंगे तो मुझे एक ऑटोमेटिक एक अटेंडेंस का फॉर्मेट बना के बताएंगे, क्योंकि हर महीने के लिए हो। जैसे एक देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के थ्रू बना रखा है, ठीक है सर। इसमें क्या है कि मैं यहां से जैसे अपना डेट चेंज करूं, जैसे मैं अपना डेट चेंज करूंगा यहाँ पे जुलाई मंथ, यहाँ पे अगस्त डालूंगा, ठीक है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। लेकिन नहीं, ये नहीं है, किसी और का बनाया हुआ है, मेरा नहीं है।
कि मैं चाहता हूं कि मेरा अटेंडेंस, जैसे कि जब मैं रन करूं तो जैसे अगस्त मंथ डालो तो मेरा अगस्त का आ जाए, जुलाई डालो तो जुलाई का आ जाए, सितंबर डालो सितंबर का आ जाए, पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाए, सैटरडे संडे वगैरह सब आ जाए इस पर, ठीक है, सैटरडे संडे हाईलाइट भी हो जाए, एक फॉर्मेट बना के बताइए, या फिर कोई इनवाइस का फॉर्मेट हो गया, कोई भी एक फॉर्मेट, या रोस्टर हो जाएगा जो वीकली रोस्टर होता है आप लोगों का, वो बना दीजिए, ठीक VBA से बनाना है सर, ये जी। VBA से बनाना है, मैक्रो से जी हाँ, बीबीए मैक्रो से, लेकिन वो ऑटोमेशन ऑटोमेटेड होना चाहिए, हर महीने के लिए हम अलग ही कोड लिखेंगे। जैसे मान लो अटेंडेंस का ही बना लिया तो हर महीने में दिन अलग अलग होते हैं, हर महीने के सैटरडे संडे अलग होता है ना, जी सर। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे, जब मंथ डालेंगे तो उसी महीने के अकॉर्डिंग वो पूरा बनाएगा, राइट। इसको बना के मुझे भेजिए और कस्टम फॉर्मेटिंग को अच्छे से देख लीजिएगा। तो रेंज फॉर्मेटिंग हमारा हो गया है, अब कल से हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर, वीवी का पार्ट पे लौटते हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट तो कर लिया, हम वीवी का पार्ट पे लौटते हैं, हम बात करेंगे कंडीशंस की, वेरिएबल्स की, मतलब कि डिम आर एज रेंज इंटीजर क्यों यूज करते हैं, हमारी अगली क्लास का टॉपिक। ओके सर, ओके, बाय। बाय सर।